बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो एजुकेटर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो एजुकेटर्स की इस जॉब के लिए आपको जस्ट 14 ईयर एजुकेशन आपके लिए रिक्वायर है। अगर आपके पास एमए एमएससी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है ये बहुत यूनिक है कि यहाँ पर आपको 14 ईयर एजुकेशन जस्ट चाहिए। तो इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और यहाँ पर आपने करना क्या। और एक बात मैं और आपके साथ शेयर करते जाऊँ कि ये बहुत जल्दी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने की आज जो डेट है वो लास्ट है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली कोई सा भी ब्राउजर यूज करते हुए educatives.com लिखना है तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप कीवर्ड की मदद से भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सर्च बार में लिखना क्या है, सिंपली पीपीएससी जॉब्स। जैसे आप पीपीएससी जॉब्स लिखेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पीपीएससी की जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स हैं और जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जो पहली आपके सामने यहाँ शो हो रही है, एडवर्टाइजमेंट 11/2020 लेटेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अप्लाई ऑनलाइन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप बाकी डिटेल्स खुद पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ये जंग न्यूज़पेपर में आया है, उसकी लास्ट डेट जो है ये है 13 अप्रैल। तो मेन चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है 14 ईयर एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जितनी भी एजुकेटर्स के लिए जॉब आती है वहाँ पर आप लोग जो भी अप्लाई कर सकते हैं वो 16 ईयर एजुकेशन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, एक तो एमए स्पेशल एजुकेशन चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ और ग्रेड सी, यानी कि इनमें से जो मर्जी है, एमएड चाहिए स्पेशल एजुकेशन। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो स्पेशलाइजेशन उन्हें चाहिए एमएड विजुअली इम्पेयरमेंट और उसके बाद देखें सेकंड डिवीजन के साथ, और नीचे यहाँ पर आप और के साथ नीचे लिखा है ग्रेजुएशन इन सेकंड डिवीजन, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन जो है सेकंड डिवीजन के साथ है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन। इसकी बाकी पोस्ट भी आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने ही मेंशन है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट एजुकेटर्स के हवाले से। तो इसके लिए अगर हम चलान फॉर्म की बात करें तो अभी आपको चलान फॉर्म नहीं पे करना, फिलहाल इसमें बिल्कुल फ्री टू अप्लाई है। और इसके बाद जब आपको पेपर देने जाना होगा तब आप चलान फॉर्म जो है आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप उसे फिल करेंगे। और अगर आप बात करें ऑनलाइन अप्लाई की तो यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आ रहा है, पीपीएससी ऑनलाइन अप्लाई क्लिक है, और आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने जो है पीपीएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइज जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सिलेक्ट पोस्ट में एजुकेटर्स लिखना है, क्योंकि आप एजुकेटर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहले आपने इसे आई हैव रीड टू अंडरस्टूड करके यहाँ पर आपने एजुकेटर्स लिखना है। तो एजुकेटर्स जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी कि यहाँ पर, और इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एमए स्पेशल एजुकेशन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डिवीजन के साथ, उसके अलावा एमएड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या एमए साइकोलॉजी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएड सेकंड डिवीजन, एमए स्पेशल एजुकेशन, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद सेकंड डिवीजन। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली नीचे आके यहाँ फिल अप दिस फॉर्म करना है और इसके बाद आपके सामने बाकी अपडेट्स आती रहेंगी, इसे आपने चेक करके अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे आपके सामने जो है इसकी बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी मेंशन करना है और यहाँ पर विदाउट डैशेस मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो कम्प्लीट है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। और ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल वीडियो एजुकेटर्स के हवाले से। तो जिन लोगों ने भी इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जरूर अप्लाई करें, जस्ट 14 ईयर एजुकेशन इसमें रिक्वायर है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब वर्ल्ड के मेंबर बने। अब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह।